नाश्ता पकड़ो। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? देखो एक सेकंड, बैठ जाता हूँ। ये नहाएगी तो सही हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ परमानेंट, तेरी कसम परमानेंट। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और कैफा हाल, तो कैसे आप सब? सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है तो सैटरडे नहीं हो रहे यार, तो गुड मॉर्निंग गाइस। आई थिंक सुबह के 7 बज रहे, थिंक क्या होता है, 7 ही बज रहे हैं अभी, और मैं तुम्हारी भाभी से पहले उठ गया हूँ। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी भाभी के लिए नाश्ता बनाया जाए, मतलब मेरी बेगम के लिए थोड़ा सा कुछ बनाता हूँ नाश्ता वाश्ता, तो है क्या नहीं, तो चलते हैं कुछ बनाते हैं। अच्छा था अंडा सैंडविच, ऑमलेट पाव, अंडा भुर्जी, जो भी है, अपने को अंडे के अलावा कुछ और बनाने आता नहीं है, तो मैगी और अंडा ही बना लेता हूँ मैं। तो सोच रहा हूँ क्यों ना उसके लिए एक मस्त सा नाश्ता बनाते हैं। हाँ यार, कुछ ना तो करना चाहिए बेचारी के लिए, रोज़ बेचारी जल्दी उठ के सुबह सुबह अपने लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो मेरे को भी भूख लग रही है, तो बनाते हैं उसके लिए कुछ, और अपने लिए भी, खास कर क्योंकि अपने को ज़्यादा भूख लग रही है, समझ रहे हो तुम। एंड थोड़ा आज बियर्ड वियर्ड भी कटवाता हूँ, बाल बिल भी थोड़ा सेट करते हैं, बहुत अजीब लग रहा हूँ, बाल सेट ही नहीं हो रहे यार, समझ नहीं आ रहा कब से मैं सेट कर रहा हूँ, कोई नहीं, तो चलते हैं गाइस, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं किचन में, और अभी अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑमलेट और अंडा सैंडविच के अलावा अपने को कुछ नहीं आता, तो अपन बनाते हैं कुछ तो भी सब मस्त सा, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा देखने में। वेलकम बैक टू इब्राहिम्स किचन। वेट वेट वेट, और हाँ साइलेंटली साइलेंटली, अगर मैं जोर से बात करूँगा ना तो वो सुन लेगी और उड़ जाएगी, और उड़ जाएगी तो फिर सब खराब हो जाएगा, ठीक है, शांति से बनाते हैं। तो यार तवे पे बना हूँ क्या, अंडा भुजी बनाऊँ, अंडा भुजी ज़्यादा बेस्ट रहेगा है ना, या अपन अंडा भुजी बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ अंडा भुजी कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो अंडा भुजी की रेसिपी बताऊँगा मैं आप लोगों को। देख भारी सी मस्त छोटी सी कड़ाई हुई है, सॉरी देखी टोप टोप लो, स्टेप वन गैस चालू करो, स्टेप टू गैस को स्लो कर दो, ठीक है, थोड़ा सा पीछे रहते हैं, हाँ, तो स्टेप टू गैस को स्लो करें, तीसरा स्टेप, स्टेप थ्री अपन तेल डालेंगे, एक चम्मच, दो चम्मच, ढाई चम्मच, ढाई चम्मच तेल, और फिर फटाफट कांदा डालेंगे, अपन काटेंगे कांदा, इसको अच्छे से छील लेंगे अपन, ठीक है, फटफट छीलेंगे, फटफट लेंगे, अपने छीलने आसवाना चालू हो रहा है यार। इस शिद्दत से बनाना मालूम, पर इसमें एक ही चीज़ होगी कि मैं बाद में गाली सुनूंगा, क्योंकि मैं जब भी किचन में घुसता हूँ मैं काम बढ़ाता भी हूँ, मतलब कचरा मेरे से बहुत हो जाता है। इसको मस्त वाले जो छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, उसको चॉपर में डाल देंगे, चॉपर में डाल के उसको किया लॉक, तो तेल चुका अच्छे से गया, और इसको हमने एकदम बारीक बारीक पीस रखा, एकदम बारीक बारीक, जब तक अपन लोग अच्छे से पिंक होने देंगे, ठीक है, देखो हम कट करेंगे एक टमाटर, दो नहीं क्योंकि मेरे को ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं, दो मिर्ची, मिर्ची को अपन
कैसे भी काटे थे, ठीक है। बहुत डर लगता है बैठने में गाइस। अरे अच्छी बाल खा रहा है गाइस, मेरे बालों को इग्नोर करो। तो अभी अपन ने डाल दी है कांदा और टमाटर और मिर्ची, कांदा टमाटर और मिर्ची अपन ने डाल चुके हैं। अभी अपन तो कांदा टमाटर और मिर्ची डाल चुके हैं, अभी अपन इसमें डालेंगे नमक। लाल मिर्ची का एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी, अभी इसको अपन अच्छे से हिलाएंगे, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, और इसका अपन डालेंगे अंडे। इससे ही फोड़ेंगे, भुर्जी हो गई रेडी। तो गाइस हमारी हो गई है भुर्जी रेडी, अंडा भुर्जी रेडी हो चुकी है। अभी अपन ब्रेड गरम करते हैं, ठीक है, ब्रेड गरम करेंगे फटाफट। और तो गाइस अभी मैंने अपने फ़ोन को लगाया है वॉशिंग मशीन के ऊपर गैलरी की खिड़की में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था, उनको छूट के बात करना था, ठीक है। तो अभी मैंने उठाया मशरू को, वेट करके चेक कर लो। अभी अपन ब्रेड गरम कर सकते, लेकिन उतना में देखो तो लोग मशरू उठे गए। बुशु गुड मॉर्निंग, उठना उम्मा, उठना, उठो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आग तो खोल, गुड मॉर्निंग। चल जल्दी उठ, चल मस्त वाला नाश्ता बना। हाय बेला, दिस इज माय लवली कैट, माय किड, माय डार्लिंग। सो गाइस अंडा भुर्जी बन चुकी है, तो अभी सबसे पहले अपन मेरे चाचा है उनको सर्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। अंडा भुर्जी दिख रही है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। चाचा हेलो, मैं तो व्लॉग में बनाया आज अंडा भुर्जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं भुर्जी मैं फर्स्ट क्लास बना रहा हूँ। और सच में लोग अच्छा बोले ना, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ अपने को ठेला बोलना चाहिए क्या भुर्जी, अंडा भुर्जी का। मेरे ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को चिल्लाई क्योंकि मेरे पूरा गान कर दिया, और मेरे को बनाना आता है, साफ करना नहीं, समझे। तो हो गई ये फ्रेश हो रही है, और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन अपन लोग पूरा टाइम पास करेंगे, तो जब तक अपन बनाएंगे मोहितो, तो मोहितो क्यों बनाएंगे, अपन बनाएंगे कॉफ़ी, मॉर्निंग बनाए मैं ब्रेकफास्ट, चलो हो गया। अरे कैसी लगी यार, टेस्ट करना कैसी लगी, हाँ जरा बोलता हूँ इसमें, बताओ कैसी लगी। एक नंबर अपना सक्सेस है, कसम से है। तो अपन डाल सकते ना, ठेला डाल सकते, चलेंगे, पब्लिक आएंगी खाएंगी ना। ए, क्या कर रहा है गुड्डी गुड्डी, कुछ पू। ऊपर जाएगा बहुत मारूंगा, उधर नीचे। सो गाइस ये हमारा गरम गरम नाश्ता रेडी, हेलो विश्व, हेलो नाश्ता पकड़ा खावा, गुड मॉर्निंग। क्या
कैसा लग रहा है? अब बोल, थोड़ा उजाला भी आया अभी, कैसा लग रहा है? ये पूरी खत्म करने का, अच्छी लगी ना? सो गाइज फाइनली नाश्ता हो चुका है और अभी अपन जाएंगे हेयर कट और बियर्ड कट करवाने के लिए। कैसा साइड से कटाऊं? नॉर्मल तुम्हारा हेयर कट? नहीं नहीं, मैं चेंज करना वाला, थोड़ा सा लुक सोच रहा हूँ, छोटे छोटे बाल करा लूँ। मिलिट्री कट करा लो। सही में? मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, करा लो। सो गाइज अपन जाएंगे आज निकाल दो ना इच्छी, और जो इलेक्ट्रिक कट वाले बाल बचे रहेंगे ना उसको ब्लॉन्ड कर दो। ज़ैन मलिक। सो गाइस बियर्ड भी थोड़ी बढ़ गई है शादी के बाद से, अभी तक ऐसा हो रहा, अभी मैंने हाथ नहीं लगाया और टाइम ही नहीं मिला यार, टाइम ही नहीं मिला। तो बस हाँ, मैं सोच रहा था अपन एक और चैनल बनाते जहाँ पे रिएक्शन वीडियोज बनाएंगे डेली। क्या बोलते, रिएक्शन चैनल बनाना चाहिए अपने को? सजेस्ट करो मेरे को कमेंट सेक्शन में, अपने को क्या क्या करना चाहिए दूसरा डेली कंटेंट के लिए, क्योंकि वैसे तो ऐसे कंटेंट आ रहे हैं मंथ में, अपनी 4-5 वीडियो आती है शायद से, ये तो 3 आती है तो 5 आती है। ठीक है यार, ठीक है चलो यार हेयर कट करवाते जब तक कॉफी खत्म करते हैं। सो गाइस अभी अपन आ चुके हैं हेयर कट करवाने के लिए और सोच रहे कि हेयर कैसा कटवाएंगे, इसको पूरा छोटे कर देना चाहिए या क्लीन शेव कर देना चाहिए। क्लीन शेव तो नहीं करेंगे, इसको अपर वाले को थोड़ा सा फेड दे के बियर्ड को बड़ी ही रखेंगे, लेकिन शाबान हेयर कैसा रखेंगे, हेयर स्टाइल इस बार थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। हाँ इस बार थोड़ा सा अच्छा करेंगे, जब भी अपने पास कंटेंट की कमी हो जाती है अपन हेयर कट कराने आ जाते हैं। ठीक है कुछ तो अच्छा सा करेंगे। बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि मेरे पे बड़े बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर हर बार तो लॉन्ग हेयर से ही रख रहा हूँ, ये बार अपन थोड़े शॉर्ट रखेंगे। गाइस अपन हेयर कट करने के बाद दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली कर दिया मैंने, फाइनली हम लोग ने कर ली किए हेयर फर्स्ट टाइम। बहुत हार्ड लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा? हाँ सही में ज़्यादा बवाल लग रहा है, मस्त लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और अभी घर पे जाके अभी घर पे जाके अपन रिएक्शन लेंगे ना कि कैसा लग रहा है, देखते हैं ना सबका रिएक्शन, थोड़ी गाली वाली भी शायद पड़ सकती है, कोई नहीं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं, पीस आउट। सो गाइज ये है हमारा लुक आज का और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कर ली है जल्दी, हाँ लेना लेना, मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, जल्दी ले जल्दी ले, मेरे को बोल रहा है। नहीं ना बाबू मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेंशन बैक देंगे ना भाई? हाँ जरूर दूंगा, बे अच्छी लेगा तो ही दूंगा, दिख तो रहा हूँ बे, ये क्या दिख रहा हूँ? तुम बाहर आएंगे तो अच्छे से लेंगे, देखो और कितने अच्छे आएंगे भाई, अभी छोटे फोन में अच्छे आएंगे, मस्त है। अभी तुमको मेंशन करता हूँ, मेंशन बैक, चलो उसके साथ भी खींच लो। इसके पीछे की कहानी मेरे को बचपन से बहुत पसंद है, घुंघरालू जो बाल है कर लिए है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, होप आप लोगों को भी पसंद होगा। लेकिन 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 जिसको पसंद है वो पसंद है, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, मेरे को नहीं जानना उनसे क्या है क्या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी चलते हैं घर पे और रिएक्शन लेते हैं सबका कि मेरा नया लुक कैसा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मेरे को तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। दे दिए रिएक्शन,